तो मेरे भाइयों, क्रिकेट की दुनिया की अगर हम सबसे बड़ी और खतरनाक T20 लीग की बात करें तो वो हमारा IPL है, इसमें कोई शक नहीं। और इस टूर्नामेंट के इतिहास में हमें दुनिया भर के एक से बढ़कर एक महान बल्लेबाज बैटिंग करते हुए देखने को मिलते हैं, और ये सभी महान बल्लेबाज अपने बल्ले से इस टूर्नामेंट के अंदर 4 चांद लगा देते हैं। तो आइए ऐसे में पता लगाते हैं कि दुनिया भर के इन टॉप क्लास बल्लेबाजों में से IPL के इतिहास में ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन किन किन बल्लेबाजों ने बनाई है। तो भाइयों, IPL के इतिहास में ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के फाफ डुप्लेसी। फाफ डुप्लेसी सन ने अपने IPL करियर में ओपनिंग करते हुए अब तक कुल 81 इनिंग खेली हैं, जिसमें उन्होंने 35.59 की एवरेज से कुल 2634 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 21 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका ओपनिंग करते हुए IPL में बेस्ट स्कोर 96 रन का। और साथ ही भाइयों, फाफ डुप्लेसी सर टोटल 3403 रन बनाकर इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे विदेशी बल्लेबाज भी। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ फाफ डुप्लेसी सर के बाद इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनरों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैककुलम। ब्रेंडन मैककुलम सर ने IPL के इतिहास में ओपनिंग करते हुए कुल 101 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 28.71 की एवरेज से कुल 2756 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 13 अर्धशतक और 2 शतक भी है, साथ ही इनका इस टूर्नामेंट के अंदर ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 158 रन का है। और साथ ही भाई, ब्रेंडन मैककुलम सर की 158 रन की नाबाद पारी इस टूर्नामेंट के इतिहास के पहले सीजन के पहले मैच में आई थी, जिसके चलते इस टूर्नामेंट का एक बहुत ही खतरनाक तरीके से आगाज हुआ, और उस समय ये KKR की टीम में एक बल्लेबाज के रूप में थे और आज उसी टीम के एक कोच। तो चलिए मेरे भाई, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो IPL में एज अ ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं क्विंटन डीकॉक। क्विंटन डीकॉक सर ने IPL में ओपनिंग करते हुए अब तक कुल 92 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 32.14 की एवरेज से कुल 2764 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 19 अर्धशतक और 2 शतक भी है, साथ ही इनका इस टूर्नामेंट में ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 140 रन का है। और साथ ही भाई, क्विंटन डीकॉक सर की 140 रन की नाबाद पारी पिछले साल के IPL में ही आई थी, जो कि इनके IPL करियर की अब तक की सबसे बड़ी पारी भी बनी। और इसी के साथ क्विंटन डीकॉक सर पिछले साल की एक नई फ्रेंचाइजी यानी लखनऊ सुपर जायंट से जुड़े थे, और टीम के लिए पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बने। तो चलिए भाइयों, बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो इस टूर्नामेंट में एज अ ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं आप सबके चहेते किंग कोहली। विराट कोहली सर ने IPL में ओपनिंग करते हुए अब तक कुल 84 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 41.86 की एवरेज से कुल 2972 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 20 अर्धशतक और 5 शतक भी है, साथ ही इनका इस टूर्नामेंट में ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 113 रन का। और साथ ही भाइयों, इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली सर इस टूर्नामेंट में ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भी दूसरे बल्लेबाज है। साथ ही एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली सर के ही नाम है, जो कि इन्होंने ओपनिंग करते हुए ही अपने नाम किया। और इसी के साथ भाइयों, IPL में विराट कोहली सर के बाद ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारी इस वीडियो की लिस्ट में 6वें नंबर पर आते हैं KL राहुल। KL राहुल सर ने IPL में ओपनिंग करते हुए अब तक कुल 77 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 52.95 की एवरेज से कुल 3389 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 29 अर्धशतक और 4 शतक भी हैं, साथ ही इनका इस टूर्नामेंट में ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 132 रन का। और साथ ही भाइयों, कमाल लाजवाब राहुल सर कैसी गंदी फॉर्म हो, लेकिन IPL के अंदर तो ये जरूर चलते हैं, और पिछले 4-5 सालों से तो ये IPL के हर सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए आ रहे हैं, और इस साल के IPL के अंदर भी हमें इनसे यही उम्मीद। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो KL राहुल सर के बाद IPL में एज अ ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारी इस वीडियो में 5वें नंबर पर आते हैं अजिंक्य रहाणे सर ने IPL में ओपनिंग करते हुए अब तक कुल 119 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 34.24 की एवरेज से कुल 3595 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 24 अर्धशतक और 2 शतक भी है, साथ ही इनका IPL में ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 105 रन का है। और साथ ही भाइयों, IPL के इतिहास के एक ओवर में 6 गेंदों में 6 चौके लगाने का सबसे पहले कारनामा अजिंक्य रहाणे सर ने ही किया। तो अजिंक्य रहाणे सर ने अपने IPL करियर में लगभग 6 टीमों की तरफ से खेला, और अपनी बारी CSK की तरफ से जुड़ चुके हैं, जो कि इनकी 7वीं IPL की टीम हो, लेकिन वहाँ पे इन्हें खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अजिंक्य रहाणे सर के बाद IPL के इतिहास में ओपनिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर सर ने IPL में ओपनिंग करते हुए कुल 123 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 32.12 की एवरेज से कुल 3597 रन बनाई है। इसमें इनके नाम 34 अर्धशतक भी है, साथ ही इनका IPL में ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 93 रन।
और साथी भाई गौतम गंभीर सर का नाम अभी तो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट से संन्यास लेने की वजह से गौतम गंभीर सर इस लिस्ट में नीचे खिसकते जाएंगे, क्योंकि अब आईपीएल नहीं खेलते, हमें ये आईपीएल के अंदर कोच के तौर पर नजर आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। तो चलिए भाई इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो एज अ ओपनर आईपीएल में गौतम गंभीर सर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारी इस वीडियो की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। क्रिस गेल सर ने आईपीएल के इतिहास में ओपनिंग करते हुए कुल 122 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 41.87 की एवरेज से कुल 4,480 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 28 अर्धशतक और 6 शतक भी हैं। साथ ही इनका आईपीएल में ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 175 रन का। और साथ ही भाई जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिस गेल सर की ये पारी आईपीएल के इतिहास के रिकॉर्ड तोड़ सबसे बड़ी पारी है। साथ ही क्रिस गेल सर आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले नंबर वन बल्लेबाज हैं, जो कि इन्होंने 6 के 6 शतक ओपनिंग करते हुए ही लगाई। तो चलिए भाई इसी के साथ क्रिस गेल सर के बाद अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बल्लेबाज की तरफ, जिसने ओपनिंग करते हुए आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए हो। तो हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर। डायनामाइट डेविड वॉर्नर सर ने आईपीएल के इतिहास में अभी तक ओपनिंग करते हुए कुल 141 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 41.48 की एवरेज से कुल 5,226 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 49 अर्धशतक और 4 शतक भी हैं। साथ ही इनका आईपीएल में ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 126 रन का। और साथ ही भाइयों आईपीएल के इतिहास में ओपनिंग करते हुए या ओवरऑल भी डेविड वॉर्नर सर सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज है। साथ ही बात करें विदेशी बल्लेबाजों की, तो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विदेशी बल्लेबाजों में डेविड वॉर्नर सर के ही नाम। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले बल्लेबाज की तरफ। तो आईपीएल के इतिहास में एज अ ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाकर हमारी इस वीडियो की लिस्ट में नंबर वन पर बैठे हुए हैं शिखर धवन। धवन सर ने आईपीएल के इतिहास में ओपनिंग करते हुए अब तक कुल 186 इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 35.38 की एवरेज से कुल 5,837 रन बनाए हैं। इसमें इनके नाम 43 अर्धशतक और 2 शतक भी है। साथ ही इनका आईपीएल में ओपनिंग करते हुए बेस्ट स्कोर 106 रन। और साथ ही भाई शिखर धवन सर आईपीएल के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज और पिछले साल ही पंजाब किंग्स की टीम से एज अ बैट्समैन जुड़े थे, लेकिन इस साल ही पंजाब की टीम की कप्तानी करेंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल के अंदर शिखर धवन सर का ये रोल कितना कामयाब होता है। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ ये बात तो हो गई आईपीएल के इतिहास में एज अ ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की। और इसी के साथ भाइयों इस साल के टाटा आईपीएल 2023 में आपके हिसाब से कौन सा ओपनर बनाएगा सबसे ज्यादा रन, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से एक नाम जरूर बताना। तो चलिए मेरे भाइयों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को दिल से एक लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना।